करेंगे ना बताओ और पीछे होकर फिर क्या खासियत भामरा में यार कि जीने जाते उन्हें तू लोग खिला कर लो जीवन जा और नेता वालो हमारे के खाली क्या है चिल्लाता रहो अच्छा हम जीते एम्स नई दिल्ली व सफदरजंग नई दिल्ली के सीनियर डॉक्टर अब आपके शहर सिवान में डॉक्टर उमेश नवजात एवं शिशु रोग विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी सदर हॉस्पिटल सिवान डॉक्टर उमेश जो आपके बच्चों का कर रहे कुशल व बेहतरीन इलाज सुशीला देवी हॉस्पिटल डॉक्टर उर्मिला अखौरी के सामने हॉस्पिटल रोड सिवान मोबाइल नंबर 9199720654 और 7250722154 सिवान के निर्दलीय प्रत्याशी जीवन यादव अब लोकप्रिय नेता के रूप में सबसे आगे उभर रहे हैं। जीवन यादव का अपार समर्थन अब बढ़ता ही जा रहा है। जीवन यादव आज बढ़िया के हनुमान मोड़ पर पहुंचे, जहां पर वहां के लोगों ने उन्हें रसगुल्ला से तोला है। तो देख सकते हैं कि जीवन यादव की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही है। जहाँ भी जा रहे हैं अब जीवन यादव को लोग खुलकर समर्थन दे रहे हैं और जीवन यादव जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं। हमारा एमपी कैसा हो, जीवन भैया जैसा हो के छोटे छोटे बच्चे भी नारे लगा रहे हैं। तो सुनिए छोटे बच्चे ने क्या कुछ कहा जीवन यादव को और जीवन यादव ने क्या क्या कुछ कहा वो भी आप सुने। और पीछे होकर फिर क्या खासियत भामरा में यार कि जीने जाते उन्हें तू लोग खिला कर लो जीवन जा दो जिंदाबाद और नेता वालो हमारे के खाली क्या है चिल्लाता रहो अच्छा हम जीते ये जनता का प्यार और लोग जो कर रहे हैं सबको पता है कि किसके साथ जनता है किसके साथ जनता नहीं। हम बस यही है कि हम अकेले निकले थे घर से चुनाव जनता के आदेश पे हम लड़ने के लिए 10 तारीख को इंतजार किए जनता का आदेश मिला चुनाव हम लड़े निकले अकेले निकले 1 से 10 हुए 10 से 100 हजार आज कारवा बनते गया। आने वाले विगत 25 मई को सिवान की समस्त जनता चुनाव लड़ के 4 जून को सिवान का जीत होगा सिवान की जनता सिवान का एमपी बनेंगी और मैं जीवन यादव सिर्फ एज एक कुर्सी पे बैठ के जैसे कहा जाता है ना कि सिवान की समस्त जनता एमपी रहेंगी मैं सिर्फ कार्यरत रहूंगा और सिवान की जो मैं संकल्प लिया हूँ जो संकल्प लिया उसको पूरा करने के लिए मैं तत्पर रहूंगा निष्ठावान रहूंगा हर वक्त यही सोचते रहूंगा कि सिवान की जनता ने मुझ पर भरोसा किया है तो मैं इस सिवान की जनता के साथ जीवन जी जो लोग आज तक ठगी किए हैं जीवन जी भाषण में आप कह रहे कि नेता चोर है किसके तरफ इशारा है किस नेता को चोर बोल रहे हैं नेता चोर नहीं बोले आपने बोला सिवान के नेता चोर है चोर शब्द चोरी वाला नहीं बोले हैं वो जो हम बोले हैं ना वो चोर वाला चोरी नहीं बोले हैं कहने का मतलब जुमलेबाज बोलते हैं
सब हमने इसका मतलब जुमलेबाज होते हैं। जो भी आपने लग रहा है क्या ये वोट में तब्दील होगा? ये वोट है नहीं तो मैं धूप में खड़ा हूँ, अब पैसा लेकर थोड़े बुलाया हूँ। इस बार मेरे पास पैसा वैसा है नहीं, मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ। मेरा ब्यौरा देखिए ना, चुनाव लड़ने में ब्यौरा दिया है ना, मेरे पास कोई पैसा है ना, मेरे पास चल है, जो था तो बेच दिया हूँ। थोड़ा बहुत जमीन बचा है तो मैं इलेक्शन के बाद कुछ काम अधूरा है जिसके लिए बेचूं। जैसे मैं अपनी 251 शादी वाला आज तक पूरा नहीं कर पाया क्योंकि बजट उसका जोड़ता हूँ, उस बीच में बजट गड़बड़ाने लगते हैं, कार्य बड़ा कर दिए हैं, आमदनी कम हो गया। दूरी बेचना पड़ेगा, उसके बाद गायब हो जाएंगे। दूर दूर बेच के गायब हो जाएंगे तो अच्छी बात है। चुनाव के बाद कम से कम किसी का दूर दूर लेके तो गायब नहीं होंगे, देख के गायब होंगे। दूर दूर बेच के गायब होंगे। जो विरोधी है वो सत्यवान है, राजा हरिचंद बने और वो कहे हैं कि अगर दूर दूर बेच के हम गायब हो जाएंगे तो ये सत्य बोले। दूर दूर बेचने वजह मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं तो मैं कहीं ना कहीं जाके कमाने का प्रयास करूंगा, ये सत्य है ना। अब मेरे पास नहीं रहेगा तभी ना जाऊंगा, दूर दूर बेच देंगे लेकिन दूर दूर किसी और की तरह खरीद तो नहीं लेंगे ना। मार्केट नहीं खरीद रहे हैं, होटल नहीं बनवा रहे हैं, मॉल नहीं बनवा रहे हैं। सबको पता है कि पंप गैस एजेंसी होटल मॉल किसके पास है। मुझे धन नहीं, मुझे जन चाहिए। मुझे धन नहीं, मुझे जन चाहिए।